सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का धुरीना के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सबका एग्ज़ाम है एमटीएस का, एसएससी एमटीएस का 30 सितंबर से, और जो ये एग्ज़ाम है वो 11 नवंबर तक चलेगा। सो काफ़ी लंबा गैप हो गया। वैसे तो एसएससी की नोटिस के अकॉर्डिंग तो एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में शुरू होने वाला था कैलेंडर के हिसाब से, बट एग्ज़ाम इन्होंने जल्दी शुरू कर दिया है। 30 सितंबर से लेके आपका 11 नवंबर तक एग्ज़ाम रहेगा। लेकिन जो ये आज की क्लास है, इसमें मैं आप सबको ये बताऊंगा कि कैसे आप लास्ट टाइम में अपने इंग्लिश के मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने स्कोर को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर आज लास्ट मिनट टिप्स देने वाला हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे एसएससी एमटीएस में दो पेपर होते हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस में हमारे दो पेपर होते हैं। फर्स्ट आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, होता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या आते हैं, एक तो हमारा मैथ्स आता है, एक हमारा मैथ्स आता है, और एक हमारा क्या रहता है, रीजनिंग। एक हमारा क्या रहता है, रीजनिंग रहता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको अभी इंग्लिश का बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और ऐसे ही हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि जो एक क्वेश्चन है वो कितने का होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है अपना। ठीक है, हमारे ऐसे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 40 कितने के हो जाएंगे, 120 के। ठीक है, 40 कितने के हो जाएंगे, 120 के। ठीक है, टोटल 120 के होने हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर है आपका, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब आप जितने सही करेंगे तो करेंगे, बाकी अपने तुक्के भी चलेंगे। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, होगी या नहीं, नहीं होगी। ठीक है, ये तो आपको क्वालिफाइंग है। मुझे लगता है कि हर बच्चा इस एग्जाम को तो क्लियर कर लेगा, जो आपका पेपर 1 होगा। क्योंकि अगर आप अगर 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आपको 40-50%, मतलब 35 या 40% चाहिए। तो अगर आप रीजनिंग में भी अच्छे खासे 15-20 क्वेश्चन कर देते हो, रीजनिंग रीजनिंग के मैथ छोड़ देते हो, तब भी आप क्वालिफाई कर लोगे, है ना। तो अगर मैथ से करते हो तो और भी अच्छी बात है। और चाहे अगर आप इसके 40 के 40 ठीक कर दोगे, तो आप उसे कोई फतेह हासिल तो करोगे नहीं, क्योंकि इसके आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग के आपके फाइनल मेरिट के अंदर जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे। आपके मार्क्स किसके ऐड होंगे, पेपर 2 होगा उसका आपके लिए। फर्स्ट में, इसमें पेपर 2 में आपके दो पेपर आएंगे। फर्स्ट है आपका जीएस का, जीएस या जीके, ठीक है, और एक होगा आपका इंग्लिश का। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट आएंगे आपके पेपर 2 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपके पास में 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश के अपने पास में 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो हमारा ये पार्ट भी है वो 3 मार्क्स का रहेगा। मतलब क्या है इसका, कि जो एक क्वेश्चन है वो आपका कितने का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें जो हमारे इंग्लिश है वो कितने के हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, और 25 क्वेश्चन कितने के हो गए हमारे, 75 मार्क्स के हो गए। ठीक है, 75 मार्क्स हो गए। तो हमें करना क्या है, हमें इस पे फोकस करना है कि हमें जो 75 मार्क्स हैं, जो 25 है, इन 25 में से कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ठीक करें, ताकि 23+ तो होने ही चाहिए हमारे, है ना। तो उसको देखते हैं। जीएस का आप देख लेना, जीएस का मैं बता देता हूँ, जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका बस रिवीजन कर लीजिए, वही इनफ है। ठीक है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, और रीजनिंग वगैरह की मैराथन क्लासेस देख लो, 4-4 5-5 घंटे की, जिसमें सब मिक्स क्वेश्चन करवा रखे हो, तो रीजनिंग आपकी वहां से हो जाएगी। और मैथ्स करने की जरूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर अगर आपको आता है या करते हैं, वो और भी अच्छा है ना। मैं आपको अब इंग्लिश का बता देता हूँ कि इंग्लिश में हम कैसे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उससे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस क्या है आपके इंग्लिश का। ठीक है, क्योंकि जो हमारी आज की क्लास है, हम स्पेसिफिकली इसमें इंग्लिश की ही बात करेंगे। इंग्लिश का सिलेबस क्या है आपका, देखो इसमें एक तो है आपके पास में फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिर एक है आपके आपका इसके अंदर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ठीक है, और एक है आपके पास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस, और फिर आपके पास में एक टॉपिक आता है इसका एडियम्स एंड फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, एडियम एंड एडियम्स एंड फ्रेजेस। और फिर आपका इसमें एक टॉपिक रहता है स्पेलिंग वाला, ठीक है, स्पेलिंग चेक वाला, है ना, स्पेलिंग चेक। और फिर साथ में ही अगर मैं और बात करूं तो इसमें आपके पास में क्या आ जाता है, एरर डिटेक्शन आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, एरर स्पॉट वाला, ठीक है, एरर स्पॉटिंग, ठीक है, एरर स्पॉटिंग, ठीक है। सो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। अगर मैं इसमें आपको मोटा मोटा बताऊं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, देखो अगर आप खुद ही देखोगे, आपको आप इसको सिनोनियम सेंटोनियम किसका पार्ट है बताऊं, वो कैब का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका पार्ट है, वो कैब का है। इडियम्स एंड फ्रेजेस किसका पार्ट है, वो कैब का है। स्पेलिंग चेक किसका पार्ट है, वो कैब का है। मतलब क्या है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी किसमें आ जाता है, वो कैब में ही आ जाता है, या वर्ड्स यूज करने हो थोड़ा से मैक्सिमम, आप मान के चलो इसमें ग्रामर भी थोड़ी यूज हो जाती है ना। सो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम पार्ट आपका कहाँ से आ रहा है, वो कैब से आ रहा है। अगर आपकी वो कैब अच्छी है तो आपका एमटीएस में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में एरर स्पॉटिंग वाले में आपका ग्रामर का आता है, जो कि सिंपल सिंपल से आपके आर्टिकल्स आते हैं, टेंस आते हैं, नरेशन और वॉइस से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो वो वाली ये चीज हो गई, ठीक है। सो इस चीज को हम अगर कर लेते हैं, अच्छा अब बात ये आती है कि जी हमारे एग्जाम को तो रह ही 5-7 दिन गए हैं, तो हम इतने कम समय में कैसी चीजों को और तैयार करें। देखो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास है वो कल आने वाली है दुरीना के यूट्यूब चैनल पर। इडियम्स एंड फ्रेजेस कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200, 200 आस्ड इन एसएससी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स कितनी बार, 2 से 3 हजार बार, ठीक है, 2 से 3 हजार बार। मतलब वो 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी के एग्जाम्स इन स्टेट एग्जाम से 2 से 3 हजार बार रिपीटेडली बार बार पूछी जा चुकी हैं, उनकी क्लास ऑलरेडी दुरीना के यूट्यूब चैनल पर हो गई है, ठीक है। अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए उस क्लास को कर लेते तो वहां से आपकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कल और परसों 2 क्लासेज आएंगी जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे जो एमटीएस के एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बाद में क्लास आएगी। तो मतलब क्या है, स्पेलिंग चेक रह जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस पे भी क्लास लेके आ जाएंगे अगर आपको अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वो कैप है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम अपनी कवर कर रहे हैं 10:30 क्लास पे, ठीक है। हर रोज 10:30 पे हमारी क्लास होती है धुरीना के यूट्यूब चैनल पे, है ना, धुरीना, ठीक है। तो आपको ये चीजें करनी है, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट चाहिए, बाकी अपना इंग्लिश आरजी के और अपना रीजनिंग मैथ्स आप अपनी तरफ से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा और क्या टिप्स हो सकती हैं आपके लिए, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास में टाइम क्या है, कम है, ठीक है, कम टाइम है। अगर कम टाइम है तो कम टाइम में हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्या कर लेनी चाहिए, हमें मैराथन लगा लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए, मैराथन क्लासेस लगा लेनी चाहिए, ठीक है। सो आप क्या करो, मैराथन क्लासेस लगाओ, वो कैब की इंग्लिश की सारी मैराथन क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे चली रही हैं, ठीक है। सो ये हो गया मैराथन क्लासेस, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मैराथन क्लासेस करनी ही करनी है, साथ में फोकस ऑन जीके एंड जीएस। देखो आपका खाली इंग्लिश से नहीं चलेगा काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, जो आपकी कट ऑफ है वो कितने में से बनती है ये बताओ पहले। आपका एग्जाम कितने का होता है, टोटल 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब 150 मार्क्स में से कट ऑफ किसकी किसकी, किस में से बनेगी आपकी, जीके और इंग्लिश में से, ठीक है। सो आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी लेकिन जीके अच्छा नहीं हो तो तब भी आपकी प्रॉब्लम है ना। सो आप इंग्लिश यहाँ से स्ट्रॉन्ग करो, जीके आप जहां से भी पढ़ रहे थे अपना, वहां से उस बैच में से पूरी क्लासेस को 2x 3x की स्पीड पे देख लो फटाफट, और मैराथन लगाओ जितना हो सकता है, और इंग्लिश के लिए मैराथन यहाँ से कंप्लीट करो। फिर अगर मैं न्यू की बात करूँ, क्या न्यू पढ़ना है, नहीं, न्यू आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब बस जितने PYQs हो सकते हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ, जितने PYQs हो सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, उनकी क्या करो आप, मैराथन क्लासेस देखो, क्या करो उनकी, मैराथन क्लासेस देखो, ठीक
ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी PYQs की मैराथन क्लासेज हैं, अभी देखो, क्योंकि अभी तक मैंने करवाई नहीं है आपको, तो प्लीज आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मैराथन क्लासेज देख लो, क्योंकि PYQs आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, क्या होते हैं आपके, रिपीट होते हैं। जब जो चीज़ रिपीट होने वाली है, और मैंने जब आपको बता दिया कि भाई ये चीज़ आएगी, क्यों ना हम उसको फोकस करके अच्छे से कर ही लें, ठीक है। सो न्यू आपको कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा इसके, और जो भी आपकी वो कैब है, वो कैब को आप अच्छे से यहाँ से मैराथन से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आपका ये हुआ इतना सा, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी ओवर थिंक नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स रहो, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, आप नई चीज़ों पर फोकस मत करो, और खुद पे बिलीव करो, ठीक है। चीज़ें अच्छी होंगी, और अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हुई हैं आपकी, तो ऐसी तो बात है नहीं कि वैकेंसीज बहुत कम है, 2-3 हज़ार हैं, हो नहीं पाएगा, 8-9 हज़ार वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो कंपटीशन तो है, 50-60 लाख लोगों ने फॉर्म तो भरे, बट डरना नहीं है, क्योंकि वो सब रियल कंपटीटर्स नहीं है आपके, ठीक है। रियल वाले तो वही ऊपर वाले 3-4 लाख ही होते हैं, तो उनके साथ कंपटीशन है आपका, अगर आप प्रिपरेशन और अच्छी कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। सो इतना ही रहेगा MTS के लिए, आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा कहीं कहीं की वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखते रहेंगे तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। सो अब यहाँ से कंप्लीट देख लिया, तो अब उसके बाद में डायरेक्ट मैराथन क्लासेज लगाओ, इंग्लिश और GK की ज़्यादा से ज़्यादा, रीजनिंग की बता दिया, एक दो रीजनिंग की मैराथन लगाओ, वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बाकी किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्ज़ाम, अभी 30 तारीख से होने वाला है, सो जिसका अभी 30 को है, या अक्टूबर में है, या जिसका सबसे लास्ट नवंबर में है, कोई बात नहीं, जिसका लास्ट में उसको टाइम मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो जी एग्ज़ाम शुरू शुरू में आ गया, तो हमें तो इससे कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनका लेवल इसी के अकॉर्डिंग बनता है, कि जैसे मान लो अगर शुरू में आसान आएंगे तो लास्ट में भी और आसान आएंगे, ठीक है। शुरू में मुश्किल आएंगे तो लास्ट में भी मुश्किल आएंगे, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आपको इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना कि हमें टाइम कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, एग्ज़ाम लंबा जा रहा है, क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है। नहीं तो 5-7 दिन में सुलट जाता, आप देखो पूरा 1.5 महीने तक एग्ज़ाम चलेंगे, 30 से शुरू होकर 11 नवंबर कब आई है ना, नेक्स्ट ईयर आने वाला हो जाएगा, ठीक है। सो इतना नहीं सोचना, ओवर थिंक नहीं करना, खुद पे विश्वास रखना है, रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है, बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ पर फोकस नहीं करना है, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।